आजकल विद लेटेस्ट टेक्निक्स या नए नए आधुनिक तरीकों से हम नी रिप्लेसमेंट के विभिन्न प्रकार के नी रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। जैसे अगर किसी मरीज का ये अंदर का हिस्सा घिसा हो, जिसको हम मीडियल कंपार्टमेंट बोलते हैं, तो हम सिर्फ उसी को चेंज कर सकते हैं। अगर हम पूरा घुटना चेंज करते हैं, ऊपर का थाई बोन का, टीबिया का और बीच का प्लास्टिक, तो उसे हम पूरा नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं या टोटल नी रिप्लेसमेंट। अब क्योंकि आजकल इतने नी रिप्लेसमेंट हो रहे हैं और नी रिप्लेसमेंट कई बारी इन्फेक्शन के कारण से या और किसी वजह से, चोट लगने से फेल हो जाते हैं, तो उसमें हम रिवीजन टोटल नी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बारी नी हो गया तो दोबारा नहीं हो सकता, उसको हम रिवीजन नी रिप्लेसमेंट बोलते हैं। उसमें थोड़े डिफरेंट टाइप के नीज होते हैं, जैसे हमें थाई में और नीचे एक लंबी स्टेम डालनी पड़ती है।